दोनों का बर्थडे है, तो दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, हम सब आगे बढ़े। बताइए इसका नाम क्या है? कुपरी। कभी कोलकाता में खाई हो इसको? इसको नहीं खाई, इस टाइप का कुछ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने प्यारे से ब्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मस्त उठ के चाय वाय पी ली हम लोग दोनों। सारा काम लगभग हो चुका है और आज का दिन बहुत ही खास है। खास तो दो चीज़ों से है कि आज, मतलब सबसे पहले तो सबको पता है, जो भी हमारे YouTube के माध्यम से हमें जानते हैं, तो नो डाउट कि आज मनीषा का सबसे पहले बर्थडे है ना जी। आज हमारी प्यारी मनीषा भाभी, वाह, तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी क्या, एकदम हैप्पी बर्थडे। अपने वीडियो के मैसेज से भी हम उनको विश कर दे रहे हैं, वीडियो मैसेज के थ्रू भी, ब्लॉग के माध्यम से। और आप लोग भी खूब सारा प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स कर दीजिएगा इस ब्लॉग पे, क्योंकि अब हम लोग सोचे तो, पता है गाइस, कल में ना 11:30 बजे तक जगा था, सचिन भाई का कॉल आया था 10:30 बजे, कह रहे हैं कि आगे बहुत बिजी हो गए क्या जीजू, फ़ोन नहीं किया। बोला कि भाई मैं सोचा था कि 12 बजे फ़ोन करूँगा, और मैं 11:30 बजे तक जगा था कि नहीं मुझे और जगना है, मैं कॉल करूँगा। पता चला कि मैं सो गया 11:30 बजे सो गया। फिर सुबह उठ के मैंने मनीषा को, मतलब ये किया, तो बोली कि जीजू आना है, तो मैंने बोला कि ठीक है देखता हूँ। तो क्या कह रही कि आपको इनवाइट करना पड़ेगा, ये वो दिस डेट बहुत बोलने लगी, बट मतलब कोई नहीं, मैं अभी देखते हैं, अभी कुछ अभी तो ऐसा प्लान नहीं है, बट क्योंकि अभी मुझे स्कूल जाना है और थोड़ा सा ना स्कूल का मोटर ख़राब हो गया है, तो वो काम वगैरह है कुछ, तो अभी वो सब काम थोड़ा सा देखना है, और उसके बाद ही जब वो मोटर वोटर सब लग जाएगा, बन जाएगा, क्योंकि स्कूल चालू है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो देखेंगे क्या होता है। और तितली की हमारी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ना फीवर कभी कभी हो, मतलब अंदर से उसको हल्का हल्का फीवर रह रहा है, तो इसीलिए अभी देखते हैं क्या करते हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। बट आज, मतलब ये तो पहली मतलब खुशी वाली बात थी कि आज मनीषा का बर्थडे है, और सेकंड क्या है, मुझे नहीं पता था, बट मैं मुझे लगा था कि आज आसपास ही होगा बर्थडे। आज काजल का भी बर्थडे है, काजल मिथुन, जिनको आप लोग जानते होंगे, तो काजल ही हैप्पी बर्थडे तोरों के काजल, मतलब क्या ही बताया, एक साली है, एक बहन जैसी है काजल, साली मनीषा को मैं बोल रहा हूँ, तो दोनों का आज बर्थडे है, तो दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, हम सब आगे बढ़े। तो अब लेकिन अब पता है क्या, अभी थोड़ा सा ना मेरे को ना वो, आज तो पार्टी होगी, अगर जाऊँगा भी तो मुझे लग रहा है कि उतना मज़ा नहीं आएगा, बिजी रहेंगे ना वो लोग, तो बिजी रहेंगे, और क्योंकि ससुराल है ना, ससुराल भी है, मतलब वो बात नहीं, बट एक्चुअली क्या है ना कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग होगी, मेरे को लगता है कि ओपन इन्विटेशन दे दिए है वो, ब्लॉग देखा उनका, मेरे को लगा कि उन लोगों ने ओपन इन्विटेशन दे दिया, तो क्राउड तो होगा ही, और अभी पता नहीं क्रिएटर्स में कौन कौन आ रहा है, बट हमारे कुछ ग्रुप्स के जो हैं वो शायद नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सभी अभी आउट ऑफ बिहार है कहीं ना कहीं, तो नहीं तो फिर बहुत मज़ा आता। अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपको बताएंगे, भी जाना होगा तो वो भी बताएंगे सब कुछ, बट अभी सबसे पहले मुझे जाना है स्कूल, ये जाएंगे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। कितनी स्कूल चलेगी बेटा? गाइज, नाखून काटना शुरू कर दिए ये, आप लोगों से एक एडवाइस चाहिए कि ये छोटा बच्चा अगर नाखून काटे तो क्या करना चाहिए, हम लोग परेशान हो गए, मतलब मैं ही डांट सुनता हूँ, क्योंकि मेरी भी आदत है, मेरी भी फिंगर देख लो, मेरे को पता नहीं कहाँ से ये गंदी आदत है, मैंने आज तक कभी नेल कटर यूज ही नहीं किया लाइफ में, तो ये कहती कि सब आप ही से सीख रही है, मतलब जितना बैड हैबिट्स हो सब पापा का, और गुड हैबिट हो तो मम्मा का, और हम भी ऐसे ही कहते हैं बेटा। अब ये नेल कटर ना काटने के नहीं, खेलने के काम में आता है हमारी बेटी के। तितलू हेलो कर दो सभी को, हेलो हेलो कर दो, टाटा कर दो, दो टाटा तो चलिए आप लोग बने रहिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और निशा का एक फेसबुक बना है, बहुत ही तगड़ा वाला, बिहारी बहुड़िया निशा, वो एक पेज बना है, और उस पर बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त वाली चीज़ें आने वाली है, मतलब 2-3 प्रोजेक्ट हम लोगों ने भी स्टार्ट किया है, तो कल सब कुछ बन गया इनका, बिहारी बहुड़िया करके, अगर जो लोग फेसबुक पे होंगे जाके आप सर्च कीजिएगा, इंग्लिश में लिखा होगा, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ थोड़ा बहुत आप लोग को, कि बिहारी बहुड़िया करके आप जाके सर्च कीजिएगा फेसबुक पर, बिहारी बहुड़िया निशा, तो फेसबुक पेज अभी बना है, ये आपको खुल जाएगा, और बहुत ही मतलब मज़ेदार है, इस पर बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार चीज़ आएगी, मतलब बिहारी कल्चर को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं इस मैंने चैनल पे, तो
काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, और बहुत सारे लोगों को बिहार के बारे में, बिहार के कल्चर्स के बारे में जो भी जानने का मौका मिलेगा, है ना। नाम कैसा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी ये देखिए, ये है हमारी बिहारी बहुड़िया, खुल गया। तो ये है बिहारी बहुड़िया, देख लीजिए इस तरह का है। अब इसमें तो उल्टा आ रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा, मैं उधर के कैमरे से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये है वो, तीन फॉलोअर हैं जिसमें एक मैं ही हूँ बिहारी बहुड़िया निशा। तो जल्दी से जाके इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, डालिएगा बिहारी बहुड़िया निशा, और मस्त मस्त चीज आएगा, है ना बेटा, आएगा ना, आएगा ना। ये देख रही है, कौन है बेटा, कौन है? पापा। पापा और कौन है? मम्मी। मम्मी और कौन है? मम्मी। मम्मी और कौन है? तो गाइस कल स्कूल गई थी, और स्कूल के बैनर पे ना, मतलब स्कूल का जो बैनर है हमारा, उसमें ना निशा का फोटो था। तो देख ली, क्या कह रही है, पापा पापा मम्मी मम्मी, है ना बेटा। टाइगर बन जाओ अभी अपने मजे में सुबह सुबह। तो चलिए अभी हम चलते हैं स्कूल, क्योंकि स्कूल जाना ज़रूरी है, काम वगैरह भी बहुत सारा है, तो उस काम को भी करते हैं सबसे पहले, और बाकी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो चलो, माता जी भी पता नहीं क्या कर रही, क्या बना रही है नाश्ते में। वाह, तो दोनों सास बहू किचन में पहुंच गई। और ये देखिए गाइस, ये बहुत ही खास चीज़ है जो अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे। बताइए इसका नाम क्या है? कोपरी। कभी कोलकाता में खाई हो इसको? इसको नहीं खाई, इस टाइप का कुछ। तो गाइस ये कोपरी है, काची का पत्ता है माँ, कांदा का। ये कोपरी है और बहुत ही मस्त, हाँ खुजली होता है। इसमें बेसन का पत्ता लपेट के बहुत अच्छे से सब्जी बनता है। बेसन का पत्ता नहीं, बेसन, सॉरी बेसन, बेसन लपेट के बांध के बनता है। इसे मुझे बांधना ही नहीं आता है, इसको मम्मी इतना अच्छे से बांध देती है। ये तुमको नहीं आता है बांधने? ये है कोपरी, और ये अलग टाइप का सब्जी बनता है। इसका किसी दिन आप लोगों से रेसिपी शेयर करूंगा, बट कितने लोग इसको खाए हुए आप लोग जरूर बताइएगा। हमारे बिहार में तो मिलता है इसको, पता नहीं काची का पत्ता कहा जाता है, ये हमको याद ही नहीं है। मम्मी भड़वा बनेगा, भड़वा करेला का भड़वा बनने वाला। तो आज सब हमको लग रहा है कि शाकाहारी खाना मिलेगा, है ना। जाता नहीं नीचे बना, माता जी जा रही है नीचे, नीचे वाले किचन में। ये तितली खाना खा लिए, चलिए हम भी चलते हैं स्कूल वगैरह। अरे बिटिया रानी को ना सुबह सुबह बस हाथ ही रहकर देखना है। माँ तो चली गई किचन में, सुनो ना अभी अभी पता है मैंने ना गाइस काजल को फ़ोन किया था, ठीक है, मैंने कंफर्म होने के लिए कि उसका बर्थडे है ना कि है कि नहीं, मैं सच में नहीं पता था। और अभी तक किसी ने स्टोरी भी नहीं लगाया था उसके लिए, तो मैंने पूछा कि मैंने कॉल किया, हाँ मैंने कॉल किया पहले, सबसे पहले पूछ तो लूँ तो मैंने बोला कि मैंने बस ये पता था कि इधर ही मैं बता ही रहा था कि इधर, तो मैंने बोला कि तुम्हारा आज बर्थडे है क्या? तो कह रही कि हाँ बर्थडे है, तो बोल के हैप्पी बर्थडे मनीषा का भी है, तो बोल रही कि आप आइएगा सिवान, तो आइएगा। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है। तो गाइस जब वहाँ से भी इनविटेशन आ गया है कि आप आइएगा, आप दोनों जगह कैसे पॉसिबल होगा? नज़दीकी तो है, नज़दीक है, एक घंटे का रास्ता है वहाँ से, आधा एक घंटे नहीं आधा घंटे का रास्ता है। और वो लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं अभी तो हमको ये भी नहीं पता, अभी ये पूछा ही नहीं, मुझे लगा कि सुबह सुबह सभी सो ही रहे थे हल्का फुल्का। तो अभी सब जगह चला जाएगा, सब जगह चला जाएगा, तितली का तबीयत सही नहीं है कैसे चला जाएगा, तो देखते हैं गाइस क्या होता है। हैं ठीक है अभी, वाह जाने का इच्छा है इनका, तो चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। तो दो दो जगह से आके बट दोनों भाई एकदम क्या ही बताऊँ मैं। और पता है मनीषा का नंबर ना कैसे मेरे फ़ोन में ब्लॉक, ये इसी का काम होगा। लेकिन वो ब्लॉक लिस्ट में है, वो ब्लॉक लिस्ट में है नहीं, बट मनीषा का जब भी मेरे नंबर पे कॉल आता है ना, वो कहती भी मतलब बहुत उसको शिकायत रहता है कि आप मेरे नंबर ब्लॉक किए। वो जब भी फ़ोन करती है तो वो बजता भी नहीं है, और एक ना एक क्रॉस टाइप का मैं पूरा चेक कर लिया हूँ कि कोई दिक्कत हो उसको ट्रू कॉलर पर से जाके, ऐसे नॉर्मल भी वो ना ही मैंने ब्लॉक किया ना ही कुछ भी, बट पता नहीं कि उसी का नंबर वो क्या हुआ है, मुझे खुद नहीं पता है कि जब भी वो फ़ोन करती आवाज़ नहीं आता है। जबकि मैंने अलग से उसके नंबर पे होता ना कि रिंगटोन सेट करने के लिए, मतलब कॉलर करना रिंगटोन, कि जब वो आए मैंने वो भी सेट करके देख लिया, लेकिन अभी भी वो कॉल की तो मैं देखा कि वो साइलेंट में इसी तरह से आता है। तो अब मेरे को लगता है कि भाई मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दो बार हम लोग का डिस्कस भी हो गया, आप हमको ब्लॉक कर दिए हैं, यार मैं क्यों ब्लॉक करूँगा मेरे को बताओ। ये हंसती है खाली, मुझे खुद नहीं पता, तुम भी तो सही की ना, फ़ोन सही हुआ वो नहीं, नंबर डिलीट करके फिर सेव के डिलीट करके तब भी वही साइन दिखाता है, हमको समझ में नहीं आता ईमेल से ब्लॉक हो गया है क्या उसका नंबर मेरा
हम तो है टेंशन में, हमको लग रहा है कि ईमेल से ब्लॉक हो गया। उस नंबरों को सेव मत कीजिए, वैसे ही रहने दीजिए, शायद सेव मत कीजिए। देखता हूँ मैं एक बार, ट्राई करता हूँ क्या, याद कर लूँगा उसका नंबर क्या। एनीवे अभी लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा, चलते हैं स्कूल। आप लोग बने रहिए, मिलते हैं अगले फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।